बाद देश सेवा की जिद और जुनून के साथ सेना में शामिल हुए अग्निवीरों की। राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेकर अग्निपथ पर बढ़ चले अग्निवीरों का एक दस्ता इस बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाला है। खास बात यह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर मार्च करने वाला इंडियन नेवी का ये मार्चिंग दस्ता जेंडर न्यूट्रल होगा। इसमें पुरुषों के साथ ही महिला अग्निवीर भी शामिल होंगी। भारतीय नौसेना के मार्चिंग दस्ते में 144 अग्निवीर होंगे, जिनमें 72 महिला अग्निवीर शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट प्रज्वल इंडियन नेवी के इस कंटिजेंट कमांडर होंगे और लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट श्रावणी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर होंगी। नेवी की झांकी में भी नारी शक्ति नजर आएगी। झांकी का पहला हिस्सा नारी शक्ति को ही समर्पित किया गया है, जिसमें अलग अलग ऑपरेशनल रोल अदा कर रही महिलाएं दर्शाई गई हैं। इस बार कर्तव्य पथ पे नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाएगी और भारतीय नौसेना की तरफ से 72 महिला अग्निवीर भी इस परेड में शामिल होंगी। इस समय 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस करने नौसेना की फीमेल ऑफिसर्स अग्निवीर यहां पे कर्तव्य पथ पे आते हैं और अब इंतजार है उस घड़ी का जब ये जवान जो है राष्ट्रपति को सलामी देंगे। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, कितने एक्साइटेड हैं आप 26 जनवरी के लिए? हाँ, बहुत एक्साइटेड है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट हियर, वी आर मार्चिंग इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, मैं आपसे आपके बारे में भी जानना चाहूंगी, आप कहाँ से हैं, कब आप भारतीय नौसेना के साथ जुड़े और इस समय कर्तव्य पथ पे प्रैक्टिस कर रहे, कैसा लगता? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, हमको 1 साल हो गया, हमने लास्ट नवम्बर में ज्वाइन किया था। लास्ट टाइम भी मैं आई थी, इस टाइम भी आई हूँ। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे सबके लिए, पूरी फीमेल्स अग्निवीर के लिए। इस बार 26 जनवरी में भारतीय नौसेना की तरफ से 72 महिला अग्निवीर शामिल होंगे और 72 जो है वो पुरुष अग्निवीर शामिल होंगे। आप कहाँ से हैं और मैं पूरा रूटीन जानना चाहूँगी कि सुबह कितने बजे उठते हैं, प्रैक्टिस कितने बजे से होती है और कितने घंटे की पूरे दिन की प्रैक्टिस रहती है? I'm from Tamil Nadu. Actually, we are waiting wake up at 4 o'clock and we are coming here at 5 o'clock and we start practicing at 5 o'clock. ये फीलिंग कैसी है राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने मार्च करना? क्या इसके बारे में पहले सोचा था, ऐसे ड्रीम टाइप देखा था कभी? यस मैम, ड्रीम था और यहाँ आके बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम नेवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वी आर द फर्स्ट वुमेन अग्निवीर बैच who are going to represent Navy on Kartavya Path, so it's a very proud feeling. सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस करते हो, क्या वो जोश इतना हाई रहता है कि सर्दी भी नहीं लगती है? नो मैम, जोश इतना ही रहता है जितना 5 बजे रहता है, जितना 10 बजे रहता है, जोश उतना ही हाई रहता है। सर्दी से कोई फर्क? नो मैम, सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी ठंड हो, जोश उतना ही हाई रहता है। अच्छा, महिला अग्निवीर के साथ साथ जो पुरुष अग्निवीर हैं वो भी इस बार कर्तव्य पथ पे राष्ट्रपति को सलामी देंगे, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमारी भी सर बहुत बढ़िया किसे तैयारी चल रही है। वुमेन कंटिजेंट, मतलब वुमेन के साथ भी हम अभी मार्च कर रहे हैं, तो वो भी हमारे हमसे कंधे से कंधा मिला के चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है मतलब उनका। अच्छा, हमें देखने में तो बहुत अच्छा लगता है जब 26 जनवरी के दिन हमारे जवान जो है कर्तव्य पथ पे मार्च करते हैं, बहुत खूबसूरत झांकियां भी निकाली जाती है, लेकिन मुश्किल कितनी होती है ये परेड? मुश्किल तो होता है मैम, 10-20 किलोमीटर करता है हम लोग डेली, प्रैक्टिस ज़्यादा होता है तो या मैम ऐसे परेड मुश्किल तो होता है, बस जोश में होता है ना मैम, तो मुश्किल ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, लगभग 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं बिना छुट्टी लिए, लगातार घंटों की प्रैक्टिस चल रही है। यस मैम, छुट्टी नहीं मिली है, बट जो प्राउड मोमेंट हमें फील हो रहा है यहाँ पर आके मार्चिंग करना, कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने टू रिप्रेजेंट नेवी, वो एक मोमेंट बहुत प्राउड फील करवाता है। 2 से छुट्टी इज डजेंट मैटर फॉर दैट।